विश्व राजनीतिक व्यवस्था में हम पहली क्लास से इस बात में चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी देश किसी भी अन्य देश का हमेशा से मित्र और हमेशा से शत्रु नहीं रहा है। साथ ही साथ प्रत्येक देश दूसरे देश को कमजोर करने के लिए लगातार प्रयासरत है। और एशियाई महाद्वीप की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि 21वीं शताब्दी जो है वो एशियाई महाशताब्दी है। ठीक है, ऐसी स्थिति में एशियाई देश का महाशक्ति के रूप में उदय होना निश्चित है। अब वो महाशक्ति होगी कौन सी? ठीक है, इस दिशा में चीन लगातार अपना प्रभुत्व को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और इस प्रभुत्व को टक्कर देने की जो क्षमता है एशिया में वो ये समझी जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। ठीक है, कि एशिया में अगर चीन को कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत है। इस दृष्टिकोण से भारत के प्रति विश्व के अन्य देशों का जो रवैया रहेगा वो सहयोगात्मक रहेगा, सकारात्मक रवैया रहेगा और इसी दृष्टिकोण से बाकी देश भारत को समर्थन करना शुरू करेंगे। अब इस परिप्रेक्ष्य में आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस प्रकार यूएस और इंडिया एक दूसरे के सहयोगी के रूप में निर्मित हो रहे हैं। ठीक है, वहीं पर ये जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? प्रशांत महासागर। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है? एटलस है ना तुम लोगों के पास? बस तो फिर ठीक है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। और इस हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र के बीच जो संपर्क स्थापित होता है वो होता है एक बहुत ही छोटे से समुद्री मार्ग से, जिसे हम क्या कहते हैं? मलक्का। ठीक है, सिंगापुर के नीचे। ठीक है, और ये विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग में से एक है। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा प्रेम? कल पढ़ाऊं? अब ये ज्यादा नहीं होता बेटा कि कल भी पढ़ा दीजिएगा, आज भी पढ़ा दीजिएगा। इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, चलो तो फिर कल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, है ना, एटलस ले आना कल फिर। दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा फिर, बोलो फिर अभी पढ़ाऊ कल पढ़ाऊ? अभी वाले कल वाले नो, अभी वाले ज्यादा है, अभी वाले ज्यादा है। चलो बाहर जल्दी, 1 2 3 जल्दी, पहली फुर्सत में, आगे की क्लास तब होगी। नहीं सुनूंगा, कोई आर्गुमेंट नहीं। चलो बेटा रावी, मंजू चाहत, हाँ तब भी निकलो जल्दी से क्लास सुबह। बर्दाश्त नहीं है मुझे क्लास में इनडिसिप्लिन। पहुंचो बेटा, चाहत चलो बाहर। नो,
चाहत बाहर, बाहर कहां थे हम? मलक्का। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है, जो एशिया को अफ्रीका से जोड़ता है, वो यही दो महत्वपूर्ण जो महासागर है वो है, एक प्रशांत और दूसरा हिंद महासागर। और इस हिंद प्रशांत क्षेत्र को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो मलक्का से होके जाता है, और इस मलक्का के थोड़ा ही ऊपर अगर आप देखोगे यहां पर दक्षिण पूर्व एशिया के पूर्व में, तो आपको नजर आएगा दक्षिणी चीन सागर, ये रहा यहां पे। ठीक है, और दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन ये मानता है कि ये पूरा का पूरा दक्षिणी चीन सागर मेरा है। ठीक है, और इस पर कब्जा जमाने की कोशिश चीन लगातार कर रहा है, कृत्रिम द्वीप बना रहा है, और उन कृत्रिम द्वीपों को बनाकर ये कह रहा है कि ये चीन का हिस्सा है। इस तरीके से अपने संप्रभु क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है, और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश है चीन का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर इस प्रशांत महासागर के क्षेत्र को हिंद महासागर के क्षेत्र से निर्बाध रूप से जोड़ना है, तो सबसे प्रमुख रूप से स्वतंत्र कौन सा क्षेत्र होना चाहिए? ये क्षेत्र होना चाहिए, दक्षिणी चीन सागर का और मलक्का का जलडमरू। ठीक है, और इसी को सुरक्षित करने में या स्वतंत्र बनाए रखने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है वो कौन सा देश है? अमेरिका। क्योंकि अगर चीन के प्रभुत्व को कोई देश टक्कर दे सकता है या कमजोर कर सकता है तो वो अमेरिका है। बट क्या अमेरिका ये काम सारा एकमात्र रूप से कर पाएगा? बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए अमेरिका द्वारा जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ मिलकर क्वाड का गठन किया गया। और इस क्वाड को अगर देखा जाए तो इस क्वाड के मध्य में क्षेत्र कौन सा है? हिंद प्रशांत क्षेत्र, मुख्य रूप से दक्षिणी चीन सागर, मलक्का। ठीक है, इसका मतलब उद्देश्य क्या है? चीन को नियंत्रित करना। बट क्या ये औपचारिक रूप से किसी भी संगठन को बनाने की घोषणा की जा सकती है कि इस देश को विरोध के लिए किया जा रहा है? इसीलिए क्वाड का औपचारिक उद्देश्य क्या घोषित किया गया है? मुक्त एवं स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र निर्मित करने के लिए ये चार देश आपसी सहयोग करेंगे। अब मुक्त और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र मतलब दक्षिणी चीन सागर शामिल है, मलक्का शामिल है। ठीक है, और जो दक्षिणी चीन सागर में चीन अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है वो भी इसमें शामिल है। ऐसी स्थिति में पूरी तरीके से जो क्वाड का गठन है वो चीन को कमजोर करने के लिए किया गया है। साथ ही साथ इसी क्वाड के माध्यम से भारत, जापान और यूएस एक वार्षिक रूप से एक युद्ध अभ्यास कर रहा है, और उस युद्ध अभ्यास को क्या कहा जाता है? मालाबार, जिसमें बहुत ही जल्द ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो जाएगा। अब ये होता कहाँ है ये युद्ध अभ्यास? या तो ये हिंद महासागर में होगा या ये प्रशांत महासागर में, और प्रशांत महासागर में भी ये होगा कहाँ? जापान के तट के नजदीक। ठीक है, तो पूरी तरीके से उद्देश्य क्या है? इन तीनों देशों की नौसेनाओं को हिंद प्रशांत क्षेत्र में इनकी मौजूदगी सुनिश्चित रखना, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में चीन के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।
ठीक है, तो रणनीतिक रूप से हम क्या देख रहे हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी और यूएस मिलकर चीन का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। बट कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये तो एक पहलू हुआ जो रणनीतिक रूप से बात कर रहे हैं हम। वहीं पर अगर हम आर्थिक रूप से बात करें, ठीक है, अगर आर्थिक रूप से बात करें तो ये रहा केंद्र आर्थिक गतिविधियों का, दक्षिण पूर्व एशिया। अब इस दक्षिण पूर्व एशिया का जो मुक्त व्यापार संबंध है वो जापान के साथ भी है, मुक्त व्यापार संबंध चीन के साथ भी है, मुक्त व्यापार संबंध दक्षिण कोरिया के साथ भी है, और यही मुक्त व्यापार संबंध ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी है और साथ ही साथ भारत के साथ भी है। क्लियर? ऐसी स्थिति में आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक क्षेत्र के रूप में निर्मित हो सकता है, ठीक है। सिर्फ अंतर क्या है, ऑस्ट्रेलिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जापान के साथ नहीं है, चीन और भारत का व्यापारिक संबंध बेहतर नहीं है, मुक्त व्यापार की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है, भारत और जापान के बीच में मुक्त व्यापार संबंध नहीं है, बट उन सभी का केंद्र कौन बन गया है, साउथ ईस्ट एशिया। मतलब इन देशों के मध्य जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हो रही है वो कहां से होते हुए आ रही है बेटा, चीन को अगर भारत से व्यापार करना है, ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से अगर करेगा तो टैरिफ लगेगा, शुल्क लगेंगे, तो चीन क्या कर सकता है, साउथ ईस्ट एशिया भेजकर वहां से इंडिया भेज देगा, ठीक है, या फिर अगर ऑस्ट्रेलिया को भी यही गतिविधि करना हो तो साउथ ईस्ट एशिया वहां से भारत, या भारत को अगर कुछ ऐसा ही काम करना हो तो इस तरीके से। तो इस क्षेत्र में अगर हम बात करें, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में या हिंद प्रशांत क्षेत्र में, तो आर्थिक समन्वय देखने को तो मिल रहा है, बट इस आर्थिक समन्वय के साथ साथ आर्थिक विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है, जहां देश आर्थिक रूप से सहयोग करते हुए भी एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। और इसी प्रतिद्वंदिता का परिणाम ये निकला है कि ऑस्ट्रेलिया में चीनी सामान अत्यधिक मात्रा में पहुंच रहा है। पहुंच तो खैर भारत में भी रहा है, बट भारत की जनसंख्या अत्यधिक होने की वजह से उतना ज्यादा हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, बट ऑस्ट्रेलियाई सरकार क्या कर रही है, चीनी सामान पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रही है। और अगर उसे चीनी सामान पे अपनी निर्भरता को कम करना है तो विकल्प के रूप में भारत मौजूद है। क्लियर? तो रणनीतिक रूप से ये देश महत्वपूर्ण, ये क्षेत्र महत्वपूर्ण, आर्थिक रूप से ये क्षेत्र महत्वपूर्ण, ठीक है। इस तरीके से 21वीं शताब्दी में या वर्तमान परिस्थिति में अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे जो रणनीतिक घटनाक्रम है वो केंद्रित है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी जो सबसे महत्वपूर्ण देश है वो है भारत और चीन, ठीक है। और जहां चीन अपना प्रभुत्व लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर भारत उस प्रभुत्व को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब अगर इसी परिप्रेक्ष्य में तुम हीरो के हार को देखोगे, ठीक है, भारत, श्रीलंका, श्रीलंका से दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, रशिया, वहां से अफ्रीका, वापस इंडिया, तो ये पूरी की पूरी जो भारत का हीरो के हार की जो नीति है वो इसी रणनीतिक घटनाक्रम के माध्यम से या अंतर्गत चीन को घेरने की विदेश नीति है। तो चीन हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, हम पूरी तरीके से चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इस घेरने की रणनीति में, ठीक है,
भारत के सहयोग में ज्यादातर महत्वपूर्ण देश शामिल हो रहे हैं, और उसका एकमात्र कारण यह है कि इन देशों की या तो व्यापारिक प्रतिद्वंदिता या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चीन के साथ है। आसियान क्यों भारत के साथ है? क्योंकि जब आसियान की बात करेंगे तो आसियान और चीन के भौगोलिक विवाद मौजूद है। चीन दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और दक्षिणी चीन सागर से सबसे निकटवर्ती कौन है? दक्षिण पूर्वी एशिया। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसको पड़ेगा? दक्षिण पूर्व एशिया, तो वो चीन का विरोध करेगा। ठीक है, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया जिस चीन के से अत्यधिक सामान आयात करवा रहा है, ठीक है, अब वो सामान पर निर्भरता कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया किसको विकल्प के रूप में देखेगा? भारत को। उसे भी तो चीन को हराना है। और जहां तक बात करें हम अमेरिका की, अमेरिका की वर्चस्व को टक्कर देने वाला एकमात्र देश जो वर्तमान में है वो चीन है। तो अमेरिका और भारत, चीन आपस में शत्रु राष्ट्र बन गए हैं, और उस शत्रु राष्ट्र के लिए ही अमेरिका एशियाई धुरी किसे मानता है? भारत को, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कुल मिला के विश्व रणनीतिक व्यवस्था जो या घटनाक्रम जो है वो पूरी तरीके से हिंद प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है, इसीलिए भारत को इतना महत्व मिल रहा है बेटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत उस केंद्र में स्थित है जो हिंद और प्रशांत क्षेत्र को जोड़ता है, साथ ही साथ इस महाद्वीप को इस एशियाई महाद्वीप के मध्य में शामिल है। और ये कारण है कि हम, ये कहा जा सकता है पूरी तरीके से कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है, इसीलिए कहा जाएगा। अब अगर इस स्थिति का हमने फायदा उठा लिया तो हम महाशक्ति, नहीं उठा पाए तो हम चीन से पिछड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी देश है, ऑस्ट्रेलिया कह लो, न्यूजीलैंड कह लो, यूएसए कह लो, रशिया कह लो या यूरोप कह लो, ये एक सीमा तक ही भारत का सहयोग करेंगे, जिस सीमा तक चीन और भारत प्रतिद्वंदिता करेंगे। जिस दिन ये समझ में आ गया कि चीन भारत से बहुत आगे निकल चुका है, भारत उसे नहीं हरा पाएगा, उस दिन भारत का महत्व इन देशों के लिए समाप्त हो जाए। ठीक है, इसीलिए भारत को अपनी आर्थिक एवं राजनीतिक क्षमताओं का विस्तार करना अत्यंत आवश्यक है। बोलो बेटा। देखो, वर्तमान स्थिति में मानते हैं कि अमेरिका और विश्व के अन्य राष्ट्र जो है वो चीन को हराने में जुटे हुए हैं, बट बावजूद इसके किसी भी तरीके से जो विश्व का वर्तमान घटनाक्रम है, कोई भी देश किसी भी अन्य देश को पूरी तरीके से हरा नहीं सकता, क्योंकि जो पारंपरिक युद्ध की अवधारणा है वो पूरी तरीके से बदल दी गई है। अब युद्ध पारंपरिक ना होकर गैर पारंपरिक और आर्थिक हो गए हैं। ऐसी स्थिति में चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करना एक विकल्प हो सकता है, बट चीन को पूरी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं विश्व की अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, तो कमजोर किया जाना उद्देश्य है, ना कि समाप्त करना। ठीक है, ये स्थिति है। डन, सभी समझ में आया? ये हो गया दक्षिण पूर्व एशिया में हो क्या रहा है। ठीक है, अब अगली ऐसी ही जियोपॉलिटिक्स की क्लास लूंगा जब पश्चिम एशिया की हम बात करेंगे, क्योंकि विश्व में दो ही क्षेत्र ऐसे हैं वर्तमान में जो बहुत ही जटिल स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। एक दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया और दूसरा पश्चिम एशिया हो गया। पश्चिम एशिया में अब लड़ाई बहुत बढ़ रही है बेटा। ठीक है, वो बढ़ इसलिए रही है क्योंकि जो इसराइल और हमास का युद्ध था
अब वो इसराइल हमास ना होकर क्षेत्रीय युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अभी कल परसों की बात है, ईरान ने कुछ हमला किया था, ठीक है, ये गलती पहले हमास ने की, हमास को बर्बाद किया इसराइल ने, फिर लेबनान ने हिजबुल्ला ने की, हिजबुल्ला बर्बाद हो गया, अब वही गलती ईरान कर गया। अभी तो बढ़ेगा बेटा ये युद्ध, अभी रुक जाओ, अभी और ये युद्ध बढ़ेगा, अभी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध घोषित होगा ईरान और इसराइल के बीच, और अगर ईरान और इसराइल आ गए तो दो पारंपरिक प्रतिद्वंदी फिर एक साथ होंगे, ईरान का साथ देने सऊदी अरब भी आ जाएगा, चाइना रशिया तो वो इनडायरेक्टली साथ देंगे, डायरेक्टली नहीं देंगे, पर सऊदी अरब साथ में आ जाएगा, बोलेगा मौका अच्छा है मैं भी लड़ लेता हूं, ठीक है, उधर से तुर्की तैयारी बैठा हुआ है, तो घटनाक्रम बहुत बदलेगा। अब ईरान ने फिर गलती कर दी, ठीक है, इसराइल पे हमला करके मुश्किलें बढ़ने वाली है, ठीक है, तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तुम लोगों को समझना पड़ेगा, है ना। चलिए फिर कल मिलते हैं, कल क्या पढ़ेंगे, आसियान पढ़ेंगे, और आसियान के बाद, आसियान 1-1.5 घंटा लगेगा, कौन सी स्पेशल क्लास, ये अभी क्या हुई, ठीक है, आसियान के बाद कहाँ जाएंगे हम, अफ्रीका नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तुम्हें यूपीएससी पढ़ना है या आईआर पढ़ना है, आईआर पढ़ना है ना यूपीएससी के लिए, या पूरा आईआर पढ़ना है, अगर पूरा आईआर पढ़ना है तो बताओ, फिर अफ्रीका भी पढ़ाओ, फिर नामीबिया भी पढ़ाऊंगा, नाइजीरिया भी पढ़ाऊंगा, नहीं ना यूपीएससी के लिए पढ़ना है ना, तो यूपीएससी के हिसाब से पढ़ लेते हम, ठीक है। मिल जाएगा, हाँ नहीं, चाहत की वजह से ये दोनों फंस गए। तुम लोग क्यों वेट कर रहे हो, 1 बजे से कौन सी क्लास होती है इनकी, हम लोग क्या करते हैं, आपको हम कुछ भी क्या इसके जाने के बाद क्लास, तुम लोग कुछ सर क्वेश्चन दिया था ना आप, जो आज वो पहले ही बनाए हुए थे ना, हाँ पढ़ रहे थे, इस अधिनियम की वजह से भारत और अमेरिका के बीच किसी भी तरह का परमाणु संयंत्र नहीं लग पा रहा है। हेलो हेलो